हमारे साथ है कंजावला 35 एन से मनीषा कराला जी। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि मनीषा कराला जी पहले भी इस वार्ड से पार्षद रह चुकी हैं और हमने इनके कार्यों को यहाँ देखा भी है। काफ़ी हद तक इन्होंने यहाँ लोगों की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, गलियों को लेके, सीवरेज को लेके, डिस्पेंसरीज को लेके, स्कूल्स को लेके काफ़ी कार्य इन्होंने यहाँ कराए हैं और जो विकास कार्य रह गए हैं उनके बारे में भी इनकी क्या नीति है। अगर क्षेत्र की जनता दोबारा इन पर विश्वास करती है और यहाँ से इन्हें चुनकर सदन में भेजती है तो ये क्षेत्र की जनता के लिए क्या योजनाएं लेके आ रहे हैं? हम जनता के लिए जितनी भी गली नालियाँ बाकी बची हैं सबको पूरा करवाएंगे। हमने अपने वार्ड में 524 गलियाँ बनवा दी हैं और जितनी बाकी गलियाँ बची हैं जीत आने के बाद में वे सब पूरी करवाएंगे। मनीषा जी, पहले जो एमसीडी के चुनाव यहाँ रहे उनमें जो है कांग्रेस कैंडिडेट्स में सबसे ज़्यादा वोटों से आप यहाँ जीत के आए थे, क्या वो चीज़ दोबारा क्षेत्रीय जनता आपको इतना मैंडेट देगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, जनता में बहुत सपोर्ट करेगी। अब की बार जनता का कहना है कि 7000 नहीं, हम 15000 से वो आपको जिता के ले आएंगे। मनीषा जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि वर्तमान में जो केजरीवाल सरकार यहाँ काम कर रही है उसके उनके कार्यों को आप किस रूप में देखते हैं? क्या वो सफल सरकार है या उनकी नाकामियाँ हैं? जो भी हैं वो भी जनता को आप बताएं। वे नाकामियाँ सरकार हैं, वे झूठे वादे करते हैं, बिजली खरीदेंगे, पानी खरीदेंगे, झूठे वादे करते हैं। अब उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स फ्री करेंगे, वे कुछ नहीं करने वाले हैं, वे नाकामी सरकार है। मैं मनीषा जसवीर कराड़ा, वार्ड कंजावला 35 से हूँ, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हूँ। आने वाली 23 तारीख को रात का बटन दबाकर मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं ताकि आने वाले समय में अपने वार्ड के बाकी बचे हुए विकास कार्य पूरे करवा सकूं।